ऑल इंडिया न्यूज में आपका स्वागत, ओम शांति। आइए जानते हैं मेरे साथ यानी प्रीति विश्वास के साथ कि आज के लिए आपका दिन कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है। ग्रह नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। आज मई 10, 2024 दिन शुक्रवार है और शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी जी की पूजा उपासना के लिए समर्पित होता है। चलिए जानते हैं आज के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को रहना होगा आज के दिन सावधान। मेष राशि, आज आपको किसी खास व्यक्ति से कुछ प्रेरणा मिल सकती है। माता पिता के साथ आप धार्मिक स्थल पर जा सकते हैं। आपका स्वास्थ्य पहले से बेहतर होगा। वृषभ राशि, शिक्षण से जुड़े जातकों की आज अच्छी प्रगति संभव है। रुचि के विषयों में भी आपका ज्ञान बढ़ेगा। व्यवसाय क्षेत्र में आप प्रशंसा प्राप्त करेंगे और अच्छा उत्थान या पदोन्नति भी प्राप्त कर सकते हैं। मिथुन राशि, आज का दिन आपके लिए अच्छे परिणाम लेकर आया है। कॉमर्स स्टूडेंट के लिए आज का दिन तो बेहतर होगा। किसी विषय में आ रही प्रॉब्लम आज दूर हो जाएगी। कर्क राशि, जीवन के सभी क्षेत्रों में सफलता एवं समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। आपकी कमाई बढ़ेगी, आपको कोई अन्य स्रोतों से भी लाभ होगा। दूर की यात्रा फलदायी साबित हो सकती है। सिंह राशि, आज आपको सबके साथ अपने संबंध बेहतर बनाकर रखने चाहिए। दोस्तों के साथ कुछ अनबन हो सकती है, आपको कोई भी अवसर हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। कन्या राशि, आज का दिन आपके लिए कुछ परेशानी वाला हो सकता है। नौकरी पेशा जातकों के लिए यह समय मुश्किल भरा हो सकता है। व्यवसायिक संदर्भ में चीजें जस की तस होंगी। तुला राशि, आज का दिन मिलीजुली प्रतिक्रिया देने वाला है। आप किसी सामाजिक कार्य में रुचि लेंगे, किसी धार्मिक आयोजन से जुड़ने का भी मौका मिल सकता। वृश्चिक राशि, मिश्रित परिणाम के योग हैं आज, लेकिन वे आपके पक्ष में ही होंगे। अनुत्पादक गतिविधियों में अपना समय और ऊर्जा बर्बाद न करें। धनु राशि, आज बड़े बुजुर्ग अपने दोस्तों से मिल सकते हैं, उनकी सेहत तो ठीक बनी रहेगी। एजेंट के रूप में अगर काम कर रहे हैं तो उन लोगों को आज लाभ के कई सारे मौके मिलेंगे। मकर राशि, आप सरकार से किसी भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तरीके से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जीवन साथी के स्वास्थ्य पर भारी खर्च हो सकता है। कुंभ राशि, आज आपके हर काम का हल चुटकियों में निकल जाएगा। ऑफिस में आपके काम की तारीफ होगी, किसी प्रोजेक्ट के लिए आपको अपनी राय देने का मौका मिलेगा। मीन राशि, आज का दिन आप में ऐसे कुछ के लिए तो काफी विवादास्पद साबित हो सकता है। आपको अपने वरिष्ठों की उपेक्षा का सामना करना पड़ेगा और आपके सहयोगी आपकी कमजोरियों को भुनाने और खेल बिगाड़ने का काम करेंगे। ज्योतिष शास्त्र की एक शाखा जो है वह अंक शास्त्र, जिसके जरिए हम बिना जन्म कुंडली के भी भूत भविष्य वर्तमान जान सकते हैं। गणित के अंकों से आप जान सकते हैं कि आपका आने वाला समय कैसा होगा, जीवन कैसा होगा। साथ ही आप और भी बहुत कुछ जान सकते हैं, तो चलिए बिना देरी किए जानते हैं कि अंक शास्त्र के अनुसार आज का दिन आपके लिए कैसा भाग्य लेकर आ रहा है। शुरुआत करेंगे मूलांक एक के जातकों से। आज दिन भर ऊर्जा और जोश से आप भरे रहेंगे। कार्य क्षेत्र में कुछ नया करने की कोशिश करें। संतान की शिक्षा को लेकर ध्यान देने की जरूरत बन रही है। घर में विशेष अतिथि का आगमन भी हो सकता है। उपाय करें, तांबे के बर्तन मंदिर में दान करें। मूलांक दो, व्यापार के नजरिए से आज का दिन शुभ रहेगा। परिजनों के साथ खुशनुमा समय भी व्यतीत होगा। पति पत्नी के बीच आपसी सामंजस्य दिख रहा है। प्रॉपर्टी में निवेश करने के बारे में विचार बन सकता है। उपाय करें, शिवलिंग का दूध से अभिषेक करें। मूलांक तीन के जातक, आत्मविश्वास में तो आज वृद्धि होगी। कार्य क्षेत्र में संतोषजनक परिणाम भी प्राप्त होंगे। पारिवारिक मुद्दों पर विरोध का सामना करना होगा। पुराना रोग आज ठीक होता नजर आएगा। कारोबारी मुद्दों पर घर के बड़ों की सलाह अवश्य लें और उपाय करें, मंदिर में पुजारी को पीले रंग के वस्त्र दान करें। अगली मूलांक संख्या, मूलांक चार, निजी जीवन में कुछ महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त प्रयास करना पड़ेगा। आज परिवार में कुछ दिनों से चल रहा जो विवाद है उसे सुलझाने में सफलता तो मिलेगी। संतान के स्कूल में एडमिशन को लेकर भी चिंता सता सकती है। उपाय करें, सफेद चंदन का तिलक लगाएं। मूलांक पांच के जातक, व्यापारिक कार्यों की अपेक्षा निजी गतिविधियों में आपका ध्यान केंद्रित रहेगा। संतान को कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त होंगी। घर का माहौल खुशनुमा रहेगा। किसी के सामने अपनी गुप्त बातों को साझा न करें। उपाय करें, गाय को पालक खिलाएं। अगली मूलांक संख्या है मूलांक छह, युगल प्रेमियों के बीच आपसी समझ में कमी दिख रही है। किसी अनजान व्यक्ति के संपर्क में आने से आपकी विचारधारा में बदलाव होगा। रुका हुआ पैसा मिलने से आर्थिक स्थिति में होगा सुधार। उपाय भी करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। मूलांक सात, नकारात्मक विचार वाले व्यक्तियों से दूरी बनाए रखें तो बेहतर। संतान का जंक फूड खाने से स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। संपत्ति के सभी दस्तावेजों को संभाल कर रखें। व्यापार में बड़ा निवेश करने से बचें। उपाय करें, तिल में दूध मिलाकर पीपल के पेड़ पर चढ़ाएं। मूलांक आठ,
आज अप्रत्याशित खर्चों का सामना करना पड़ेगा। युवा वर्ग अपने करियर को लेकर गंभीर नजर आएगा। कार्य क्षेत्र में कोई भी निर्णय लेने से पहले उसके सभी पहलुओं पर विचार और जांच पड़ताल जरूर करें। पिता के साथ वैचारिक मतभेद के संकेत हैं, उपाय करें, बजरंग बाण का पाठ करें। मूलांक 9, नौकरी के लिए दिए गए इंटरव्यू में सफलता मिलती दिख रही है। व्यावसायिक यात्रा आज लाभदायक, व्यवहार कुशलता के कारण समाज में आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होगी। विद्यार्थियों का फोकस पढ़ाई पर बढ़ेगा, उपाय करें, लाल चंदन का तिलक लगाएं। आइए अब जानें आज का पंचांग। हिंदू पंचांग के अनुसार मई 10, 2024 दिन शुक्रवार वैशाख माह के शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि है। सूर्य और चंद्रमा का समय सूर्योदय सुबह 5:51 तक, सूर्यास्त शाम 6:54 पर, चंद्रोदय 10 मई सुबह 7:18 पर, चंद्रास्त 10 मई रात 9:35 तक। तिथि शुक्ल पक्ष तृतीया 10 मई सुबह 4:18 से 11 मई रात 2:50 तक। शुक्ल पक्ष चतुर्थी 11 मई रात 2:50 से 12 मई रात 2:04 तक। नक्षत्र रोहिणी 9 मई सुबह 11:55 से 10 मई सुबह 10:47 तक। मृग शीर्षा 10 मई सुबह 10:47 से 11 मई सुबह 10:15 तक। करण तैतेल 10 मई सुबह 4:18 से 10 मई दोपहर 3:29 तक। गर 10 मई दोपहर 3:29 से 11 मई रात 2:50 तक। वणिज 11 मई रात 2:50 से 11 मई दोपहर 2:22 तक। योग अतिगण 9 मई दोपहर 2:41 से 10 मई दोपहर 12:06 तक। सुकर्मा 10 मई दोपहर 12:06 से 11 मई सुबह 10:02 तक। अशुभ काल राहु सुबह 10:45 से दोपहर 12:23 तक। यमगण दोपहर 3:38 से शाम 5:16 तक। कुलिक सुबह 7:29 से 9:07 तक। दुर्मुहूर्त सुबह 8:28 से 9:20 तक एवं दोपहर 12:49 से 1:41 तक। वर्जम शाम 4:16 से 5:50 तक। शुभ काल अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:57 से दोपहर 12:49 तक। अमृत काल सुबह 7:43 से 9:15 तक एवं रात 1:38 से 3:11 तक। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:15 से 5:02 तक। ये दो थे आज की राशिफल, अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंडियन न्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारों की दशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। तब तक के लिए नमस्कार। का दिन तीन देवी माँ की पूजा के लिए विशेष होता है। इस दिन आप उनके हर स्वरूप का पूजा कर सकते हैं। शुक्रवार का दिन तीन देवी माँ की पूजा के लिए विशेष होता है। इस दिन आप उनके हर स्वरूप की पूजा कर सकते हैं। शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी, माँ दुर्गा और संतोषी माँ को समर्पित है। शुक्रवार का दिन तीन देवी माँ की पूजा के लिए विशेष होता है। इस दिन आप उनके हर स्वरूप की पूजा कर सकते हैं। शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी, माँ दुर्गा और संतोषी माँ को समर्पित है। आपको बता दें, शुक्रवार के दिन व्रत रखना बेहद ही शुभ होता है। श्रद्धालुओं की सभी मनोकामनाएं इस व्रत से पूरी होती है। इसके साथ ही उन पर देवी माँ की कृपा हमेशा बनी रहती है। माता का दुर्गा देवी नाम दुर्गम नाम के महान दैत्य का वध करने के कारण पड़ा। माता ने शतार्थ स्वरूप धारण किया और उसके बाद शाकंभरी देवी के नाम से विख्यात हुए। शाकंभरी देवी ने ही दुर्गमासुर का वध किया, जिसके कारण वे समस्त ब्रह्मांड में दुर्गा देवी के नाम से भी विख्यात हो गई। यह देवी कोलकाता के महाकाली के नाम से विख्यात और सहारनपुर के प्राचीन शक्तिपीठ शाकंभरी देवी के रूप में ही पूजी जाती है। चलिए अब हम प्रारंभ करते हैं माँ दुर्गा की पूजा विधि से। शुक्रवार का दिन माँ दुर्गा का दिन है। इस दिन माँ दुर्गा की पूजा करने और उनके मंत्रों का जाप करने का विशेष महत्व होता है। आप शुक्रवार के दिन का आरंभ ओम श्री दुर्गाय नमः के जाप के साथ करें। माँ दुर्गा का यह मंत्र माँ लक्ष्मी, सरस्वती और काली तीनों शक्तियों की उपासना के लिए है। पूजा स्थल की सफाई करें और एक चौकी में दुर्गा जी की मूर्ति या प्रतिमा रखें।
शुक्रवार को सुबह स्नान ध्यान से निवृत्त हो सबसे पहले तांबे के पात्र में माता दुर्गा की मूर्ति स्थापित करें। पूजा के लिए पूर्व दिशा की ओर मुख करना शुभ होता है। यदि पूर्व दिशा में मुख करना संभव न हो तो आप उत्तर दिशा की ओर मुख करके भी पूजा की शुरुआत कर सकते हैं। पूजा के दौरान उन्हें कुमकुम, अष्टगंध, अक्षत, दीपक, धूप, दक्षिणा, पुष्प, श्रीफल आदि अपनी क्षमता अनुसार अर्पित करें। उन्हें हलवा पूरी प्रसाद के रूप में अर्पित करें। माँ को उनका प्रिय पुष्प लाल गुड़हल जरूर अर्पित करें, जिसके बाद घी या तेल के दीपक जलाकर आरती करें। देवी दुर्गा के स्वयं कई रूप हैं। मुख्य रूप उनका गौरी है, अर्थात शांतमय, सुंदर और गोरा रूप। विभिन्न रूपों में माँ दुर्गा भारत और नेपाल के कई मंदिरों और तीर्थ स्थानों में पूजी जाती है। भगवती दुर्गा की सवारी शेर है। आइए जानते हैं माँ दुर्गा के प्रमुख मंदिरों के बारे में। वैष्णो देवी मंदिर जो है जम्मू और कश्मीर में, भारत में विश्व प्रसिद्ध और सबसे धार्मिक स्थल वैष्णो देवी का मंदिर जो जम्मू और कश्मीर के त्रिकुटा पहाड़ियों पर 5,300 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। माता वैष्णो देवी का यह पवित्र मंदिर एक पहाड़ी के अंदर गुफा में स्थित है। यह सबसे पवित्र हिंदू धर्म स्थल में से एक है। शारदा माता मंदिर मध्य प्रदेश में, मैहर की शारदा माता मंदिर यह बहुत ही पवित्र मंदिर है और यहाँ की देवी माँ 51 शक्ति पीठों में से एक बिजसन देवी जो है सकलतपुर में। मध्य प्रदेश में माता रानी की कुछ और भी बहुत लोकप्रिय मंदिर हैं, जैसे कि बिजसन देवी सकलनपुर। यह मंदिर एक पहाड़ी पर बनी हुई है। अंबाजी मंदिर गुजरात, अंबाजी माता का मंदिर गुजरात के बनासकांठा जिले में प्रसिद्ध हिल स्टेशन माउंट आबू के पास स्थित अंबाजी मंदिर 51 शक्ति पीठों में से एक है और महत्वपूर्ण हिंदू मंदिरों में से एक है। यह मंदिर गुजरात में मां अंबा माता और प्रसिद्ध धार्मिक स्थल को समर्पित है। अंबाजी मां मंदिर पवित्रतम तीर्थ स्थानों में से एक है और भारत का एक प्रमुख शक्ति पीठ है। वैसे तो माँ दुर्गा की 108 नाम है, जिनके जाप मात्र से आपके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं उनके 108 नामों में से कुछ विशेष नामों को। भवानी अर्थात ब्रह्मांड के निवास, भवमोचनी अर्थात संसार बंधनों से मुक्त करने वाले, दुर्गा अपराजय, जया विजयी, त्रिनेत्र अर्थात तीन आंखों वाली, पिनाकधारिणी शिव का त्रिशूल धारण करने वाली, चित्रा सुरमैया सुंदर, महातपा अर्थात भारी तपस्या करने वाली, बुद्धि अर्थात सर्वज्ञाता, भव्या अर्थात कल्याण रूपा या फिर भव्यता के साथ, वन दुर्गा अर्थात जंगलों की देवी या वन शंकरी या फिर शाकंभरी, माहेश्वरी प्रभु शिव की शक्ति, इंद्री अर्थात इंद्र की शक्ति, चामुंडा अर्थात चंद और मुंड का नाश करने वाली। आइए जानते हैं माँ दुर्गा के प्रमुख अस्त्रों के बारे में। सभी अस्त्र अपने आप में एक रहस्य के रूप में है। त्रिशूल, माँ दुर्गा को त्रिशूल भगवान शिव ने भेंट किया था। त्रिशूल में 300 सत्व तमस और रजगुणों का प्रतीक है, जिनके संतुलन से ही सारे सृष्टि टिकी हुई है। महिषासुर का वध माँ ने इसे त्रिशूल से किया था। तलवार, माँ दुर्गा को तलवार भगवान गणेश ने प्रदान किया था। माँ दुर्गा की तलवार की धार बुद्धि के तीक्ष्णता का और उसकी चमक का ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है। भाला, अग्निदेव के द्वारा माँ को उपहार में दिया गया यह उग्र शक्ति और शुभता का प्रतीक है। यह सही और गलत का भेद भी करता है। वज्र की शक्ति का उपहार माँ को इंद्रदेव ने दिया था। यह आत्मा की दृढ़ता मजबूत इच्छा शक्ति का प्रतीक है। देवी दुर्गा अपने भक्तों को आत्मविश्वास और दृढ़ इच्छा शक्ति का वरदान देती है। सुदर्शन चक्र, भगवान विष्णु ने माँ दुर्गा को अपना सुदर्शन चक्र प्रदान किया था, जो कि सृष्टि केंद्र है। ब्रह्मांड इसके इर्द गिर्द घूमता है। धनुष, धनुष और बाण माँ दुर्गा को पवन देव और सूर्यदेव द्वारा दिए गए, जो कि ऊर्जा के प्रतीक। धनुष ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है, वही तीर या बाण गतिज ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है। शंख, माँ दुर्गा को शंख वरुण देव ने प्रदान किया है। माँ दुर्गा के शंख की ध्वनि मात्र से ही सैकड़ों असुरों का नाश हो सकता है। शंख का नाद नकारात्मकता को दूर करता है। आइए अब हम जानते हैं शुक्रवार को पूजी जाने वाली धन की देवी भगवान विष्णु की प्रिय माँ लक्ष्मी की पूजा विधि।
शुक्रवार के दिन धन की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। माँ लक्ष्मी की पूजा के वक्त सफेद या गुलाबी वस्त्र पहनना शुभ होता है। इनकी पूजा का उत्तम समय मध्य रात्रि होता है। माँ लक्ष्मी के उस स्वरूप की पूजा करनी चाहिए जिसमें वह गुलाबी कमल के पुष्प पर बैठी हो, इसके साथ ही उनके हाथों में धन बरस रहे हो। माँ लक्ष्मी को गुलाबी पुष्प विशेषकर कमल चढ़ाना सर्वोत्तम होता है। शास्त्रों में माँ लक्ष्मी को धन धान्य संपदा वैभव की देवी माना जाता है। माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप अष्टक की माला से करने पर वह प्रसन्न होती है। शुक्रवार को माँ लक्ष्मी की उपासना करने से विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। माँ लक्ष्मी सुख समृद्धि और धन की देवी है। लक्ष्मी माता के व्रत को वैभव लक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है। वैभव लक्ष्मी व्रत शुक्रवार के दिन रखा जाता है। इस व्रत को स्त्री या पुरुष कोई भी रख सकते हैं। लक्ष्मी माता का व्रत रखने से सुख समृद्धि और धन की प्राप्ति होती है। आज के दिन माँ लक्ष्मी की विधि विधान के साथ पूजा करने पर माता की कृपा हमेशा व्यक्ति पर बनी रहती है। इसके साथ ही व्यक्ति को सुख समृद्धि और शांति भी मिलती है। माँ लक्ष्मी की महिमा को तो हम सभी जानते हैं। माँ लक्ष्मी का हर रूप विभिन्न कामनाओं को पूरा करने वाला है। इनके हर रूप की पूजा करने से व्यक्ति को असीम संपदा और धन की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं इनके 8 रूपों के बारे में। पहला रूप आदि लक्ष्मी या महालक्ष्मी। माँ लक्ष्मी का पहला स्वरूप आदि लक्ष्मी है। यह ऋषि भृगु की बेटी के रूप में है। पुराण के अनुसार महालक्ष्मी ने ही त्रिदेवों को प्रकट किया है और इन्हीं से ही महाकाली और महासरस्वती ने आकार लिया। जीव जंतुओं को प्राण प्रदान करने वाली आदि लक्ष्मी ही है। इनसे जीवन की उत्पत्ति है। आदि लक्ष्मी अपने सभी भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति कराती है। दूसरा रूप धन लक्ष्मी। माँ लक्ष्मी का दूसरा रूप धन लक्ष्मी जो व्यक्ति को धन और वैभव से परिपूर्ण कराती है। भगवान कुबेर से भगवान विष्णु ने धन उधार लिया था जिसे वो समय पर ना चुका पाए थे। तब धन लक्ष्मी ने ही विष्णु जी को कर्ज से मुक्त करवाया था। इनके पास धन से भरा कलश मौजूद है। इनके एक हाथ में कमल है। इनकी पूजा से आर्थिक परेशानियों और कर्ज से मुक्ति मिलती है। तीसरा प्रमुख रूप धन्य लक्ष्मी। धन्य का अर्थ अनाज होता है। धन्य लक्ष्मी अनाज की दात्री है। इन्हें माता अन्नपूर्णा का भी रूप माना जाता है। इस रूप में माँ लक्ष्मी अन्न की देवी के रूप में विराजमान होती है। धन लक्ष्मी को प्रसन्न करने का सबसे आसान तरीका है कि कभी भी अन्न की बर्बादी ना करें। जिन घरों में अन्न का निरादर नहीं होता वहीं अन्न का भंडार रहता है। चौथा प्रमुख रूप गज लक्ष्मी। इस रूप में गज लक्ष्मी कमल पुष्प के ऊपर हाथी पर विराजमान है। इन्हें कृषि और उर्वरता की देवी भी कहा जाता है। इन्होंने भगवान इंद्र को सागर की गहराई से उनके खोए नग को वापस हासिल करने में मदद की थी। इन्हें राजलक्ष्मी भी कहा गया है क्योंकि ये राज को समृद्धि प्रदान कराती है। जो लोग कृषि क्षेत्र से जुड़े हैं और जिनकी संतान की इच्छा है उन्हें इनकी पूजा करनी चाहिए। पांचवा प्रमुख रूप संतान लक्ष्मी। संतान लक्ष्मी माँ लक्ष्मी का पांचवा स्वरूप। यह बच्चों और अपने भक्तों को लंबी उम्र प्रदान करने का रूप है। इनका स्वरूप स्कंद माता जैसा है। इनकी 4 भुजाएं हैं जिनमें 2 भुजाओं में कलश धारण और बाकी 2 भुजाओं में तलवार और ढाल है। इनकी पूजा करने से घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। वीरा लक्ष्मी। वीरा लक्ष्मी वीरों और साहसी लोगों की आराध्य है। यह अपने भक्तों को युद्ध में विजय प्रदान कराती है। इनकी 8 भुजाएं हैं जिनमें इन्होंने अलग अलग तरह के अस्त्र शस्त्र धारण किए हैं। वीरा लक्ष्मी व्यक्ति को सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति कराती है। सातवां प्रमुख रूप विजया लक्ष्मी या जया लक्ष्मी। विजया का अर्थ जीत होता है। देवी का यह स्वरूप जीत का प्रतीक है। इन्हें जया लक्ष्मी भी कहा जाता है। विजया लक्ष्मी ने लाल साड़ी पहनी है और एक कमल पर बैठी हुई है। माँ अष्टभुजी है और व्यक्ति को अभय प्रदान करती है। आठवां प्रमुख रूप विद्या लक्ष्मी। विद्या लक्ष्मी ज्ञान की देवी है। माँ का यह रूप हमें ज्ञान कला और विज्ञान की शिक्षा प्रदान करता है। विद्या लक्ष्मी ने सफेद साड़ी पहनी हुई है। इनकी पूजा करने से व्यक्ति को शिक्षा के क्षेत्र में सफलता और ज्ञान की प्राप्ति होती है। मात्र से किन किन फलों का लाभ होता है।
इनकी पूजा से केवल धन ही नहीं बल्कि नाम यश की भी प्राप्ति होती है। इनकी उपासना से दाम्पत्य जीवन भी बेहतर होता है। विधिवत लक्ष्मी जी की पूजा की जाए तो आपके जीवन में जुड़ी धन से संबंधित समस्याएं दूर हो जाएंगी। आइए जानेंगे माँ लक्ष्मी की पूजा के कुछ विशेष नियम। माँ लक्ष्मी की पूजा सफेद या गुलाबी वस्त्र पहनकर करनी चाहिए। इनकी पूजा का उत्तम समय मध्य रात्रि। माँ लक्ष्मी की उस प्रतिकृति की पूजा करनी चाहिए जिसमें वह गुलाबी कमल के पुष्प पर बैठी हो, इसके साथ ही उनके हाथों से धन बरस रहा हो। माँ लक्ष्मी को गुलाबी पुष्प विशेषकर कमल चढ़ाना शुभ होता है। माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप स्फट की माला से करने पर वह तुरंत प्रभावशाली होता है। माँ लक्ष्मी के विशेष स्वरूप है जिनकी उपासना शुक्रवार के दिन करने से विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। आइए हम जानते हैं माँ संतोषी की व्रत विधि। माँ संतोषी प्रेम, संतोष, क्षमा, खुशी और आशा की प्रतीक मानी जाती है। लगातार 16 शुक्रवार तक माँ संतोषी की पूजन करने से भक्तों के जीवन में शांति और समृद्धि आती है। शुक्रवार के दिन माँ संतोषी को समर्पित है। जैसे माँ दुर्गा और माँ लक्ष्मी की उपासना की जाती है ठीक उसी प्रकार शुक्रवार को माँ संतोषी की भी पूजा की जाती है। सुख सौभाग्य की कामना से संतोषी माँ की 16 शुक्रवार तक व्रत किए जाने का विधान है। इस दिन सूर्योदय से पहले उठकर घर की सफाई इत्यादि पूर्ण कर ले। स्नान आदि के बाद घर में किसी पवित्र जगह पर माता संतोषी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। उनके सम्मुख जल से भरा कलश रखें और उसके ऊपर एक कटोरी गुड़ चना भरकर रखें। माता के समक्ष घी का दीपक जलाएं, फिर अक्षत, फूल, इत्र, श्रीफल, लाल वस्त्र या चुनरी अर्पित करें। देवी माँ को गुड़ चने का भोग लगाएं और कथा पढ़कर आरती करें। कथा समाप्त होने पर हाथ रखे हुए चने और गुड़ को गाय को खिला दें और कलश पर रखे गुड़ चने का प्रसाद सभी को बांटें। कलश के जल को घर में सब जगह छिड़क दें और बचा हुआ जल तुलसी की क्यारी में डाल दें। ध्यान रहे, इस व्रत को करने वालों को ना तो खट्टी चीजें खानी चाहिए और ना ही हाथ लगानी चाहिए। इसके व्रत मात्र से आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। इनकी पूजा से आपकी पारिवारिक समस्याएं दूर हो जाती हैं। आज बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मिलेंगे सप्ताह के सातों दिन पूजे जाने वाले देवी देवताओं के पूजा विधि के साथ। देखते रहिए इंडियन न्यूज़। नमस्कार।